ऑलराइट जनता, क्या हाल है आप सब लोगों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटेक्स का एक पार्टी स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है बूमबॉक्स 5000। ये स्पीकर एक बैटरी बैकअप स्पीकर है जिसके अंदर आपको सामने की तरफ आप देख सकते हो एक LED पैनल मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एनिमेशंस बनाता है। ये वही एनिमेशन है जो JBL के पार्टी बॉक्सेस में या अदर ब्रांड के पार्टी बॉक्सेस में आते हैं, बट इसका एनिमेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है कि अलग अलग कलर्स के साथ और बीट्स के हिसाब से ये अपनी साउंड को और अपने कलर्स को चेंज करते रहते हैं। बाकी मैं आपको इसका ऊपर का पैनल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दो बड़े बड़े डायल मिल जाते हैं। ये वाला जो डायल आएगा ये आपकी माइक की वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए आएगा। ये वाला डायल आएगा ये आपके म्यूज़िक की वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए आएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो नॉब्स लगी हैं, यहाँ पर एक एको वाली नॉब है और दूसरे आप देख सकते हो यहाँ पर डिले वाली नॉब है, ठीक है ना। इस माइक के इसके आपको स्पीकर के साथ जो माइक मिलते हैं वो आपके ट्रूली वायरलेस माइक होते हैं जो कि आपको इस स्पीकर के साथ मिलेंगे। बाकी अलग से आप दो माइक यहाँ पर अटैच कर सकते हो। दोनों के लिए स्लॉट दिया जाता है। ऑक्स इन 3.5 mm का यहाँ पर एक जैक मिलता है जहाँ पर आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी एक USB पोर्ट मिलता है 3.5 mm के साथ, एक USB पोर्ट भी है। बाकी यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है जहाँ पर आप अपने मेमोरी कार्ड डायरेक्टली लगाकर अपना म्यूज़िक या सॉन्ग जो भी है आप प्ले कर सकते हो। ओके, DC 9 वोल्ट का यहाँ पर इनपुट मिलता है चार्जिंग के लिए। अभी मैं आपको इसका अडेप्टर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक LED मिल जाती है जो कि शो करती है कि आपका पार्टी बॉक्स चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये आपकी पावर ऑफ हो गई है, ये ऑन हो गई है। एंड ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर एनिमेशन आता है, ये आप देख सकते हो। बाकी ये जो दो नॉब्स आती हैं ये स्पेशली म्यूज़िक के लिए आती हैं। यहाँ पर आप इस नॉब से म्यूज़िक का ट्रेबल कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये वाले जो नॉब है इससे आप म्यूज़िक की बेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी आप इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स जो कि इंटेक्स अपने इस पावर बॉक्स के साथ देता है, इसमें जो मोड्स रहते हैं, सबसे पहले आपको ये ऊपर बटन मिलता है जिससे आपकी LED का जो एनिमेशन है वो चेंज होता है। ये बटन आप दबाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ये लाइट्स के कलर चेंज हो रहे हैं। बाकी आप नीचे की तरफ एक रिकॉर्ड का बटन है, यहाँ पर आप प्ले करोगे तो जो भी आप कैरियोके में गाना गाओगे वो चीज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड रीप्ले कर सकते हो। यहाँ पर मोड का एक बटन दिया जाएगा जहाँ पर आपको FM मोड, USB मोड, ये मेमोरी कार्ड चलाना है, इसके लिए एक मोड आता है 3.5 mm जैक लगता है। यहाँ पर एक मोड आता है ब्लूटूथ मोड, FM, सारे रिकॉर्ड जितने भी मोड्स होते हैं वो इस आप बटन से चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक प्रीवियस का ट्रैक आता है अगर आपको गाने पीछे करने हैं आगे करने हैं, उन दोनों के लिए ये दोनों बटन आते हैं। बाकी यहाँ पर एक TWS का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि JBL में भी आता है। ये ऑप्शन स्पेशली तब दिया जाता है जब आप अपने एक स्पीकर को दूसरे स्पीकर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट आपका जो दूसरा स्पीकर है उसमें भी आपका TWS सपोर्ट होना चाहिए। अब बाकी बात कर लेते हैं इसके एक बार फिजिकल व्यू के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 100% पूरा प्लास्टिक है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब प्लास्टिक है। इसमें पार्टी बॉक्स JBL की तरह कोई हैंडल बार नहीं दिया जाता ट्रॉली के लिए, बट हाँ इसमें ना कोई व्हील्स है। फ्रंट की साइड आप देख सकते हो, फ्रंट की साइड एक मेटल की आपको प्रोटेक्शन के लिए, जो स्पीकर है पीछे उसके प्रोटेक्शन के लिए एक पूरा का पूरा एक कवरेज नेट दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सामने की तरफ आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगी जहां पर आपके सारे के सारे मोड्स शो करेगा, ब्लूटूथ मोड है, FM मोड है, रेडियो है, क्या है, सारे मोड्स यहाँ पर आपको शो करेगा। साइड में आप देख सकते हो साइड पूरी की पूरी क्लीन है, पूरा एक प्लास्टिक है बट ये जो प्लास्टिक है ये अच्छा खासा मैट फिनिश में है। एंड उसके बाद पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर ये बूम बॉक्स की ब्रांडिंग हो रखी है, जहाँ पर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा देखोगे तो इसकी डिटेल्स लिखी हुई है कि कौन सा मॉडल है, किस ईयर में बना वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। सो गाइस, अगर आप इसकी वारंटी की बात करते तो ये स्पीकर आपको देता है 1 साल की कम्प्लीट वारंटी। एंड इसके जो माइक्स होते हैं माइक की भी वारंटी आएगी। बाकी अगर आप मार्केट में इसको लेने जाते हैं तो मार्केट में इसका प्राइस आपको 11,000 से लेके 13,000 के बीच में मिल जाएगा। बाकी ये आप देख सकते हो ये इसका 3.5 mm के बराबर में ही 9 वोल्ट का DC अडैप्टर है चार्जिंग के लिए जो कि यहाँ पर लग जाता है। और ये इसका माइक है जो कि पूरा का पूरा वायरलेस है, आपने कुछ नहीं करना, बस इसमें बैटरीज डालनी है और ये ऑन हो जाएगा और वायरलेसली कनेक्ट भी हो जाएगा।